नमस्कार, जेएमडी न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मोस्ट वांटेड विकास दुबे की, जो इस समय उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आज सातवां दिन और गिरफ्त में उज्जैन पुलिस के विकास दुबे। क्या ये वास्तव में एक बहुत बड़ी साजिश है, या कोई बहुत बड़ी चूक है, या निश्चित रूप से जो कयास लगाए जा रहे थे वही सच निकला, क्योंकि इसे बड़े बड़े लोगों का संरक्षण है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ फोन लाइन पर है रिटायर्ड डीआईजी विजय शंकर सिंह। विजय शंकर सिंह का कानपुर से गहरा नाता रहा, वो यहाँ के अपराध, यहाँ की मनोवैज्ञानिकता, यहाँ के कल्चर से भरी प्रकार से परिचित हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरीके से खाकी खादी का नेक्सस है। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विजय शंकर सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। विजय शंकर जी, आप सुबह से निश्चित रूप से आप एक जागरूक अधिकारी रहे हैं, आज भी बहुत सतर्क रहते हैं, जानकारियां लेते हैं। सुबह से आप मोस्ट वांटेड विकास दुबे का प्रकरण सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मैं आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। जिस तरह से सुबह ये खबर मिली कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, तो इससे सबसे पहले ही ये संदेह उपस्था है कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित लगा था कि महाकाल के मंदिर में किसी मुलजिम की गिरफ्तारी हो। फिर बाद में जब टीवी चैनल्स पे खबरें आई और सोशल मीडिया में और अखबारों की में जब चीजें आने लगी, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से वो सामने आया है, उसको देखकर ये बिल्कुल ये संदेह मेरा पुख्ता हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं से मैनेज्ड है। अब इसे मैनेज किसने किया है, क्या किया है, ये तो बात की तब से पता लगेगा। माने ये माना जाए मीडिया में तो जी 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 आप बताइए जी। सोशल मीडिया में तो तरह तरह की बातें आ रही हैं, जिस प्रकार से वो अकेले उसकी फोटो आ रही है और वहां पर गार्ड ने उसको पकड़ा है। मुझे लगता है कि ये हर चीज पहले से मैनेज है और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो हर साल महाकाल के मंदिर में सावन के महीने में जाया करता था जी। ये अपने अपनी श्रद्धा होती है, सावन के महीने में कोई काशी विश्वनाथ जाता है, कोई महाकाल जाता है, कोई कहीं और शिव मंदिर में जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया को अगर हम सही माने, हालांकि उसे बहुत कुछ चीजें उसमें गलत भी होती हैं, वो एक कभी मैंने खबर पढ़ी थी, एक आवेश तिवारी पत्रकार है, उनका एक स्टेटस पढ़ा जो मध्य प्रदेश के ही है, कि कल शाम को डीएम और एसएसपी उज्जैन दोनों महाकाल के मंदिर में गए थे और उन्होंने वहां दर्शन नहीं किया, किसी कमरे में बैठ के उन्होंने कुछ मंत्रणा की वहां के मैनेजमेंट से और सुबह ये सरेंडर हो गया। कई कई खबरें आ रही हैं, लेकिन जब तक पूरी खबर इसकी जांच में हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि अब पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, इसकी आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी जो भी कह लीजिए इसके बाद। लेकिन ये जो देवेंद्र मिश्रा है, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने संरक्षण दिया उन्होंने ही विकास दुबे को बचा लिया, क्या कहेंगे आप? हाँ, वो सही कह रहे हैं, मैं उनके कथन के साथ हूँ जी। जिस तरीके से ये आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी हुई है, ये तो निश्चित रूप से संरक्षण का ही कारण है जी, और संरक्षण का ये तो परिणाम है। जब जांच होगी तो हर चीज स्पष्ट हो जाएगी, बशर्ते कि इसकी जांच हो और उसके खुल के और कायदे से जांच हो। फिलहाल तो ये कहना जल्दबाजी, लेकिन मैं उनके परिवार के जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, संरक्षण नहीं होता तो उतनी दूर जाकर आसानी से वो सरेंडर कर जाता, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस व्यक्ति के पीछे, जिसके पीछे 6 राज्यों की पुलिस पड़ी हो और वो लगातार प्रदेश की सीमाओं को लांघता हुआ मध्य प्रदेश पहुंच रहा है, फरीदाबाद पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है, ये कहा ये जा रहा है ये यूपी पुलिस का
बहुत बड़ा फेलोर है। इसे आप फेलोर मानते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि चूक हो गई, क्या कहेंगे आप इसे? हम इसे फेलोर तो नहीं मानेंगे, क्योंकि पुलिस के सामने ऐसे 85-50 मुकदमे आते हैं और दुर्दांत लोगों के भी मुकदमे आते हैं और मुलजिम कभी पकड़ा जाता है, कभी बस निकलता है और कभी गिरफ्तारी के तत्काल पहले पुलिस पहुंचती है, वो सड़क जाता है। ये चूक तो है, फेलोर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस का प्रयास तो चल ही रहा था। उन्होंने फरीदाबाद में भी चेस किया, वहां भी उसके एक समर्थक को पकड़ा और लोगों को गिरफ्तारियां हो ही रही थी, तफ्तीश की कायदे से चली रही थी। एक एंगल जो जय वाजपेयी का आया था उस पर भी अलग से तफ्तीश चल रही थी, और देवेंद्र मिश्र जी के परिवार के लोगों ने जो चिट्ठी दी थी अनंत देव को की सीओ देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी जो ऐसे चौबेपुर के कार्य के बारे में थी, इनका क्रियाकलाप ठीक नहीं है, उसकी भी तब जांच चली रही थी। तो सरकार को तो जो जो बिंदु मिल रहे थे, सरकार तो उन बिंदुओं पर काम कर रही थी और पुलिस भी काम कर रही थी। अब इसको अगर मुलजिम की कोशिश की जाए और मुलजिम सड़क जाए तो हम इसे चूक कहेंगे, फेलोर नहीं कहेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आज जो हमारे पुलिस का सूचना तंत्र है, जो इंटेलिजेंस है, जिसे LI से लेकर के और हम रात तक अगर बात करें तो वो, और ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, वो पूरी तरीके से अब सक्षम नहीं रह गया है? आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। हमारा ये जो दो तरह का इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, एक क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है जी, और एक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। जो इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का है, रॉ का है, IB का है, आपके LIU का है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो अपराधों के संबंध में, अपराधियों के संबंध में बदमाशों की मुखबिरी का है, वो तंत्र हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। अब उसके कई कारण हैं। एक तो कम समय के लिए पोस्टिंग लोगों की होती है, पोस्टिंग में भी कई तरह की चीजें सामने आती हैं, उस तरह का नियंत्रण नहीं हो पाता है, फोर्स की भी कमी रहती है, और दूसरे हम लोगों ने परंपरागत पुलिसिंग छोड़ दी है जो बहुत पहले हुआ करती थी जी, कि भाई हिस्ट्री शीटर की निगरानी करिए, सक्रिय बदमाशों की निगरानी करिए, उसके लोगों की निगरानी करिए, मुखबिर पैदा करिए, मुखबिर को जैसा नियमित उसके संपर्क में रहिए, खबरें लीजिए, ये सब चीजें अब हटती चली जा रही हैं। तो उसके पास पूरी तरह सहमत है इंटेलिजेंस सिस्टम का फेलोर है। और आप ये भी मानते हैं कि पुलिस इस मामले में गुर्गों में उलझी रही, 5 लोगों को मार दिया, आज ही प्रभात को मार दिया, बहुआ को मार दिया, इसके पहले अमर दुबे को मारा, प्रेम प्रकाश को मारा, अतुल दुबे को मारा, 2 लोगों के साथ हाफ इनकाउंटर कर दिया। इतना ही नहीं, सबके परिजनों को, माँ बाप सबको जेल में डाल दिया, यहाँ तक कि अमर दुबे की जो पत्नी थी जिसका 9 दिन पहले ब्याह हुआ था उसको भी डाल दिया। पुलिस इसमें ज्यादा उलझी रही और विकास दुबे गच्चा दे गया। ये बात सही है कि हमने हम पैनिक हो गए जी। हाँ, जिस तरह से घटना हुई और जिस तरीके से रात में हमारे 8 एक सीओ साहब सहित 8 लोग शहीद हुए जी, मारे गए गांव में, जिस तरह से घेर के बर्बरता पूर्वक मारे गए, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो प्रतिक्रिया समाज में भी हुई, सरकार में भी हुई और हमारे पुलिस में भी हुई। हम पैनिक हो गए, हमें जल्दी से जल्दी उसका परिणाम चाहिए। पुलिस की समस्या ये है कि जब हम जल्दी से जल्दी परिणाम की कोशिश करते हैं तभी दिक्कतें होती हैं, और उसी में जाके उसका मकान ढाया गया, बिल्डिंग तोड़ी गई, गाड़ियां नष्ट की गई, जो लोग उड़ गए जहाँ जहाँ मिले, चाहे उनकी हैसियत जो ही हो, 2 मुकदमा कायम हो, 4 मुकदमा कायम हो, हम उसको कायदे से ठंडे दिमाग से इसकी कोशिश नहीं कर पाए, इसलिए कि इसकी शिकायतें बहुत होने लगी थी, अखबारों में बहुत छपने लगा था। एक ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव पुलिस पर अक्सर पड़ जाता है, समाज का दबाव, फिर अपना जब नुकसान होता है तो और दबाव पड़ता है। तो ये बात आपका कहना सही है कि बहुत मारे गए हैं, हम इसमें पता नहीं किसकी कितनी विकास दुबे के नजदीक होने के, या केवल चमचई में नजदीक थे या वाकई उसके जुर्म में शरीक रहे, सब चीजें तो बाद में पता लगेंगी जी।
लेकिन ये बात सच है कि हमने ज्यादा इसको तामझाम फैला लिया था, हम विकास दुबे से कम पिन पॉइंट कर पाए थे। अगर इनको मारने के बजाय गिरफ्तार करके उनसे कुछ सुराग लेते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, ये मेरा अपना मानना है। ठीक बात। फिर भी जो वर्तमान में पुलिस ने किया होगा तो पुलिस ने कुछ सोच के ही किया होगा, उनकी कुछ अपनी रणनीति रही होगी। आप तो पुलिस विभाग में रहे, आपके सामने ऐसे तमाम मामले आए होंगे। ये सीमाएं सील कर दी जाती हैं ये कहा जाता है, और सीमाएं इसमें भी सील की गई, हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा सील की गई, नोएडा सील किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार होता रहा, ये क्या होता है इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? क्या कोई टेक्निकल ऐसी फॉल्ट हो जाती है सीमा सील करने में, या लापरवाही होती है, या सही तरीके से जांच नहीं कर पाते? क्योंकि अभी ये भी मामला आया है कि वो दो दिन तक सिवली में खुद ही पड़ा रहा और वो ट्रक के मोरंग की ट्रक के साथ चला गया। तो ये जो पुलिस का रवैया है या जो पुलिस की टेक्नोलॉजी है या जो पुलिस की शक्ति है, क्या वो भी अब कारगर नहीं रह गई है? सीमाएं सील बहुत पहले से होती रही हैं, और ये एक स्टैंडर्ड नियम है कि जैसे कोई बड़ी घटना हो जाती है तो हम सीमाएं सील कर लेते हैं, जिले की सीमाएं सील कर देते हैं और राज्य की सीमाएं सील कर देते हैं। आजकल से पहले तो सीमाएं सील करने में थोड़ी प्रॉब्लम यह रहती थी कि सीमा पर हमारे बैरिकेड्स वगैरह नहीं बन पाते थे जल्दी। आजकल हर जगह जो हमारे टोल सेंटर है, टोल बूथ है, वो बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर कि आप बिना टोल दिए जब निकल नहीं सकते हैं तो हर टोल पर, हर चाहे 8 बूथ हो 6 बूथ हो, वहां पर बिना चेकिंग के आप जा नहीं सकते हैं जी। और सीसीटीवी कैमरा भी रहता है कि गाड़ी की चेकिंग की जा सकती है। अब दिक्कत ये है कि हम कितनी समय तक कितने देर से सतर्क रह के लगातार चेकिंग कर सकते हैं जी। अगर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि वो दिल्ली की तरफ जा रहा है जी, आगरा की तरफ जा रहा है, तो दिल्ली आगरा की तरफ जाते हुए जो भी सड़कें हैं कानपुर से, जैसे जीटी रोड है जो अलीगढ़ होके जाती है, एक इटावा होके जाती है, एक आपके बिल्लौर के बाद जैसे वो लखनऊ एक्सप्रेस वे भी मिल जाती है, तीन बड़ी बड़ी सड़कें हैं, या फिर यहाँ से झांसी निकल के झांसी से उधर घूम के वापस जा सकता है, तो इन जगहों को हम सील कर सकते हैं। हो सकता है सील के दौरान कहीं कोई चूक रह गई हो या कोई निकल गया हो, अमूमन सीलिंग से बहुत मुश्किल से ही लोग पकड़े जाते हैं। हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी जनपद की सीमाएं या राज्य की सीमाएं सील की गई हो और सीमा की चेकिंग में कोई पकड़ा गया हो। देखिए, गिरफ्तारी हर गाड़ी को चेक करके आप नहीं गिरफ्तार कर सकते, वो संभव नहीं है जी जी, क्योंकि इक्का दुक्का गाड़ियां नहीं है। एक टोल पर कम से कम 10 मिनट के अंदर 50 ट्रक जा रही है, सैकड़ों छोटी गाड़ी निकल जा रही है, आप कहाँ चेक करेंगे? उसमें अगर किसी गाड़ी को चेक कर लिया, हर गाड़ी में मुलजिम हो नहीं सकता, एक ही में होगा, बाकी में लोग होंगे, तो आपत्तियां भी होंगी, शिकायतें भी होंगी। जब तक आपने जो एक अभी इसके पहले कहा था कि हमारा मुखबिर तंत्र क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो चुका है, जब तक वो मजबूत नहीं रहेगा तब तक ये संभव नहीं है। पहले ये था, बदमाश को अगर हमारी खबर रहती थी तो हमारी खबर भी, तो बदमाश की खबर हमको भी रहती थी, फिर वो जहां जहां जाता था हमारा भी तंत्र हो जाता था। दिक्कत ये रही कि बदमाश ने अपना तंत्र तो महफूज रखा, मजबूत बनाए रखा, हमारा तंत्र टूटता चला गया, ये एक सबसे बड़ा कारण। ठीक बात। क्या आपको लगता है कि इस समय खाकी, खादी और अपराधियों का एक ऐसा नेक्सस बन गया है जो हमारे सिस्टम पर प्रभाव डाल रहा है, बल्कि इस सिस्टम को फेल कर रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? और खास तौर से ये कहा जा रहा है कि 90 के दशक के बाद ये स्थितियां विषम हुई हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, खादी, खाकी और अपराधी जी, इन तीनों का नेक्सस बन गया है और आज का नहीं है, न साल दो साल पहले का है, ये नेक्सस 30 साल पहले का है जी, और 30 साल से पहले का है। हमको याद है 1986 में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लाया गया था, और गैंगस्टर एक्ट लाने के पहले पहली बार माफिया की कार्रवाई की गई थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, ये दोनों पूर्वांचल के जो कुख्यात माफिया सरगना थे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत जेल भेजे गए जी। उसके बाद सख्ती बनने लगी। हुआ ये कि इन माफिया सरगनाओं के खिलाफ मुकदमे साबित होना अदालत में मुश्किल होता है। विकास दुबे का ही देख लें, दिन दहाड़े का मर्डर था, मैं खुद मौके पर गया था, मैं यही एसपी एंटी डकैती ऑपरेशन था, मैं खुद मौके पर गया था, हर चीज देखी थी,
और उम्मीद थी कि इसमें तो सजा हो जाएगी, लेकिन कोई गवाही कायदे से नहीं गुजरी और वो छूट गया। छूट कर फिर राजनीति में रहा, तमाम लोग उन साधु के संपर्क रहे, उसके नहीं तो उसके लोगों के संपर्क रहे। जब एक बार आदमी राजनीति में घुसता है तो फिर अधिकारियों के नजदीक भी आता है, तो अधिकारी भी ये सोचता है कि इसका संपर्क राजनीति में बड़ा बड़ा संपर्क है, तो वो थोड़ा मनोवैज्ञानिक असर उस पर भी पड़ता है कि वही क्यों पंगा ले। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि इस खादी खाकी और अपराधी के नेक्सस से बिगड़ रही हैं। अब ये टूटेगा कैसे, आप भी सवाल करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो इसके तोड़ने की कोई कोशिश पुलिस द्वारा संभव नहीं है जी। पुलिस बेसिकली न तो समाज सुधार के लिए आई है न वो इसको तोड़ने आई है, वो एक कायदे कानून से काम करने के लिए गठित हुई है और वो सरकार की तरफ से अपराध के नियंत्रण और रोकथाम के लिए है, उसको अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन जब अपराधी खाकी और खादी का जब ये नेक्सस बन जाएगा तो उसके काम पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसको कैसे तोड़ा जाए ये सोचना तो सरकार को है, और सरकार से ज्यादा जरूरी ये सोचना राजनीतिक दलों को है कि वो कोई एक सीमा रेखा खींचेंगे कि आप कहां तक किसको स्वीकार करिएगा, कहां तक किसको स्वीकार नहीं करिएगा। हम आखिर इन असामाजिक लोगों का सामाजिक बायकॉट क्यों नहीं कर सकते। हर आदमी जानता है विकास दुबे के बारे में, कौन नहीं जानता, एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है। आप हमको छोड़ दीजिए, आप पत्रकार रहे हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, आपको सारी जानकारी, हमें भी जानकारी, हमें यहाँ तैनात में एक ही चीज की जानकारी है, मैं बिकरू भी गया हूँ, उसके लोगों की भी मुझे जानकारी है, लेकिन मेरी जानकारी पुरानी है, जब मैं था तब था, अब वो अपडेट नहीं है। लेकिन ये अपडेट कौन करेगा, जो आएगा वो अपडेट करेगा। तो ये नेक्सस तोड़ने के लिए राजनीतिक दलों को ही एक सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी और उनको खुद ही ये तय करना पड़ेगा कि वो कब तक और कहां तक इन अपराधियों का साथ लेंगे। केवल इसलिए कि सरकार बनी रहे, सरकार बिगड़ जाए, हम चुनाव जीत जाए, ये उनको सोचना पड़ेगा। पुलिस इसको नहीं कर पाएगी, हम बहुत ईमानदारी से आपके सामने स्वीकार कर रहे हैं। कोई पुलिस अफसर कहे कि नहीं हम तोड़ देंगे, हम ऐसे महानुभाव इक्का दुक्का लोग होंगे तो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है वो तोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो सफल नहीं हो पाते, वो बाईपास हो जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है, यूपी पुलिस गई है उसको लेने के लिए। अब अगर ये जो राज खोले, इसकी जो सीडीआर है उसको खोला जाए, उससे राज उगलवाए जाए और उसके अनुसार कार्रवाई की जाए, क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान हमारा सिस्टम है राजनीति का, उसमें वो लाख राज खोले, वो कहे कि हाँ हमने फलाने विधायक से मेरे संबंध थे, फलाने मंत्री से मेरे संबंध थे, मैंने उनको ये पैसा पहुँचाया, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? वो राज उगल देगा और राज जो है वो दफन हो जाएंगे, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? जी मैं भाई साहब आपसे कह रहा हूँ, एक छोटी सी चीज है, 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था जी। बॉम्बे ब्लास्ट कांड के बाद मार्च 1993 में पुराने होम सेक्रेटरी थे भारत सरकार के एनएन बोहरा साहब, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनी थी जो राजनीति में अपराधीकरण के नेक्सस को देखने के लिए बनी थी और सुझाव के लिए बनी थी जी। 6 महीने के अंदर उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया और ये रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में मिल गई भारत सरकार को। तब से लेके आज तक उस रिपोर्ट पर क्या हुआ किसी सरकार ने नहीं किया। जब कांग्रेस पावर में रहती है तो भाजपा कहती है कि इसको जारी करो, और जब आज भाजपा पावर में है तो कांग्रेस कहती है इसको जारी करो जी, जी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इसको जारी करो और इस पर करो, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रकाश सिंह साहब ने पुलिस सुधार के लिए 10 साल पहले याचिका लगा रखी है, अकेले वो लड़ रहे हैं, वो कोई उनका कोई एनजीओ नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर ये मुकदमा लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा राज्य सरकारों से कि इसको आप लागू करिए, वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। विकास दुबे बताएगा, खुल के बताएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि वो जो भी कहना चाहे पुलिस के सामने कह देगा। अदालत में क्या कहेगा मुझे नहीं मालूम, जाहिर अपने बचाव की बात कहेगा, अपने को निर्दोष कहेगा, लेकिन यहाँ वो खुल के कहेगा। अब वो जो कहेगा अगर उसमें वो राजनीतिक कुछ चीजें खोलता है या बताता है, मुझे नहीं पता वो क्या बताएगा, लेकिन अगर बताता है तो उस पर क्या कार्रवाई आगे होगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो यही खबर है कि वो आ रहा है, मुझे लगता है उसे कानपुर ही ले आएंगे, अगर लखनऊ भी ले आएंगे तो कम से कम कानपुर कोर्ट में ही उसे पेश करेंगे, रिमांड पे लेंगे, रिमांड तो मिल जाएगा। अब रिमांड के दौरान क्या पूछताछ होती है अभी तो आगे की बात है,
लेकिन मेरा ये कहने का आशय ये है कि इन सारे खुलासों पर जब तक एक राजनीतिक रूप से नीयत साफ नहीं होगी, हम मुख्यमंत्री जी या सरकार की किसी नीयत पर संदेह नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो इसका समाधान कैसे निकले। ठीक बात। कि इतने इतने मुकदमे, कल एक सज्जन मित्र मुझे मजाक में कह रहे थे, पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी हैं जी, कि सर कल ये भी विधायक का चुनाव जेल से लड़की जीत जाएगा, कोई हैरानी की बात नहीं है। जिस तरीके से इसका राजनीतिक साम्राज्य बड़ा है, आर्थिक साम्राज्य बड़ा है, इसमें ये जीत भी सकता है। नहीं, नगर पंचायत का चुनाव तो जेल से जीता ही था। राजनीति को भी सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी जी। और एक बात मैं आपसे थोड़ा ये भी, अब देखिए ना, एसटीएफ ने जब इसको पिछली बार गिरफ्तार किया था उसका वीडियो भी जारी हुआ, जिसमें वो बाकायदे खुल करके विधायकों के नाम ले रहा है, ब्लॉक प्रमुख के नाम ले रहा है, सबके नाम ले रहा है कि कैसे कैसे उसको छुड़ाने में पैरवी की गई। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे इस बार भी अगर वो कुछ कह देगा तो क्या आपको लगता है कि जाति और धर्म के आधार पर बढ़ता वोट बैंक इसका प्रमुख कारण है और उस समय राजनीतिक दल जो है असहाय हो जाते हैं? हाँ, जाति एक ऐसा फैक्टर है। भारत में का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है और स्टेट्स का, लेकिन यूपी में जितने माफिया हैं, चाहे वो हरशंकर तिवारी हो, चाहे वो विजेंद्र शाही मारे गए वो हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो मदन भैया हो, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे जो भी हो, वो माफिया अपनी अपनी जाति के भी सिरमौर बने हुए हैं। यही बात। चाहे वो अपनी जाति के लिए कुछ करें या न करें, चाहे वो अपने समाज के लिए कुछ सार्थक करें या न करें, लेकिन उनके अंदर हम जो ये मिथ्या नायकत्व तो ढूंढ लेते हैं, हीरोइज्म जो ढूंढ लेते हैं जी, ये उनको ऐसी जगह बैठा देता है कि वो लगता है कि साहब यही सबसे बड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है, और ये प्रॉब्लम तो वोट की वजह से भी है। वोट तो एक कारण है ही है, वोट के दौरान भी एक ये गणित तो रहती है कि भाई फलाने गांव में इतने ब्राह्मण है, फलाने गांव में इतने ठाकुर है, तो यहाँ का वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा जी। लोग पहले ही गणित लगा लेते हैं कि अगर हम 100 गांव में, अगर 40 गांव में सारे ठाकुरों का हो तो हमको कितने हाथों मिल जाते हैं, हम बाकी जगह कोशिश करें, या बसपा का टिकट मिल जाएगा तो दलित समुदाय का इतना वोट हमारा पक्का हो जाएगा, या समाजवादी पार्टी का अगर हाथ रह जाएगा तो इतना ओबीसी का वोट हमको मिल जाएगा। तो पार्टी के साथ जाति भी बटती चली गई है, तो राजनीति में इसका असर को पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ऐसे नेता बहुत कम मुझे दिखते हैं जो पार्टी धर्म इनसे ऊपर उठकर शुद्ध रूप से अपने पॉलिटिकल एजेंडा जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा का एजेंडा अच्छा या बुरा है जी, भाजपा की अपनी लाइन है, कांग्रेस की अपनी लाइन है, समाजवादी बसपा की अपनी लाइन है, कम्युनिस्टों की अपनी लाइन है, लेकिन इन पॉलिटिकल एजेंडे की बजाय हर आदमी उसी पर घुस जाता है। इस गांव में इतने जाति है, इतने हैं ये, और ये पुलिस में भी आ गया है जी, जी पुलिस में भी ये आ गया है, और आज से नहीं आया है, ये आज की बात नहीं है। संचिया जब ये पूर्वांचल के दोनों गिरोह थे, वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी, तो पूरा का पूरा पूर्वांचल का पुलिस भी कास्ट लाइन पर बट गया था। अब वो चीज नहीं रही है क्योंकि वो दोनों खत्म हो गए, दोनों पोलिटिकल, वीरेंद्र शाही तो मारा गया और ये हरिशंकर तिवारी जगह जगह मंत्री बनता रहा, इस बार वो अब खामोश बूढ़ा हो गया। तो अब उन्होंने उनका रुख भी बदल गया, अब वो बिजनेसमैन हो गए हैं। तो इस जाति का फैक्टर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उसी कारण राजनीतिक दल के लोग और जो उनके मुखिया है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाते हैं। हाँ, वो बैकफुट पे चले, इसका मेरी समझ से इसका ही कि सारे राजनीतिक दलों को, इनकी चाहे जो भी आइडियोलॉजी हो, राजनीतिक विचारधाराएं सबकी अलग अलग होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी चाहिए जी। कम से कम इस पर एकमत होना चाहिए कि हम भैया इन बदमाशों को पार्टी का टिकट नहीं देंगे। वो निर्दल लड़के आ जाते हैं तो भी हम उनसे कोई दूरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि चुनाव सुधार के लिए 200 बार कहा जा चुका है कि जो अपराधी बैकग्राउंड हो उनको टिकट न दिया जाए। अब ये आया कि जो सजा मिल जाए तो टिकट न दिया जाए। चलिए ठीक है, कम से कम कुछ आगे बढ़े हैं, सजा मिलने पर तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, लेकिन टिकट देना न देना ये तो राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ये भी तय करना होगा कि कल उनके यहाँ का वार्ड स्तर का नेता जो सामान्य था, अब वो लग्जरी कार में चलने लगा है, बड़े बड़े लोगों के साथ घूमने लगा है, बड़े, तो उसके पास आखिर पैसा ये कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? हमारे ख्याल से राजनीतिक दलों को इस दिशा में भी कुछ सोचना पड़ेगा।
इस दिशा में राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। इसके पहले ये गैंगस्टर एक्ट जो है, यूपी गैंगस्टर एक्ट, जिसका बहुत नाम लोग सुनते हैं, बड़ा प्रभावशाली एक्ट है जी। इसमें एक प्रावधान है कि अचानक संपत्ति जिसकी बढ़ जाए, जैसे कल के दिन आप मुझे स्कूटर से चलते देख रहे हैं जी, और परसों में मर्सिडीज से आपके दरवाजे आऊं, एक स्वाभाविक उत्कंठा आप में आएगी कि भाई ये आदमी कर क्या रहा है जी। या तो मेरी लॉटरी लग गई, या तो मैं इतना योग्य हूं कि मैं कोई फैक्ट्री खड़ी कर लिए, तो कहीं कहीं है। अब आप एक जय वाजपेयी का नाम आ रहा है, इसके फोटो भी कई लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ जी जी जी। कुछ सालों पहले एक प्रेस में 300 रुपए पर डे पर दिहाड़ी पर ये काम करता था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसके दुबई जिले के सिंगापुर तक प्रॉपर्टी है, कानपुर में 4-5 मकान है, आलिशान गाड़ियों में चलता है। तो ये 5 साल 6 साल 8 साल 9 10 साल जो भी समय रहा हो, इस समय के अंतर्गत जो पढ़ा है, ये धन हमको आपको दिख रहा है, तो क्या ये धन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन विंग को नहीं दिख रहा है? ठीक बात। इनका काम ही है घूम घूम के पता लगाना जी जी। जिनके पास अपने आर्थिक मुखबिरी के लिए अच्छा खासा फंड भी है, वो पैसा भी देते हैं और अच्छा खासा पैसा देते हैं। पुलिस के पास तो मुखबिरी के लिए कोई फंड नहीं है, वो तो अपने रिस्क अपना करते हैं, फिर वो करते हैं। तो राजनीतिक दल को तो मैं इसलिए दोष नहीं दूंगा कि भाई उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए जी जी। तो उन्हें बेहतर तरीके से यही लोग मिल सकते हैं पैसा देने के लिए, तो इनसे पैसा लेते हैं और इनको जो उपकार करना तो इनको एकत्रित करते रहते हैं। लेकिन ये काम को सरकार के उस विंग का है जो कि अचानक धनी हुए लोगों के या इस संपत्ति में चिंता बढ़ रही है उसकी जांच करें। तो इनको भी ये सोचना चाहिए और ये कम से कम इस पर एक ज्वाइंट एक्शन ग्रुप बनना चाहिए, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, राजस्व हो, तीनों का, जिला लेवल पर हो, जिसकी कभी कभी बैठक हो जाए, जो इस तरह के लोगों को सूचनाएं मिले, उनकी जांच हो, पड़ताल हो, तो इसका असर पड़ेगा। अब कल के दिन किसी को डर नहीं लगता, आप सरकारी नौकरी में है तो आप कल के दिन अगर मर्सिडीज खरीद लें तो शायद इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए जी। लेकिन अगर आप माफी है तो आपको नोटिस आती कि नहीं मुझे नहीं पता, बिल्कुल। और आसिफ उसका जवाब क्या देते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या देकर देते हैं? समाज सेवा तो लिखते हैं, लेकिन समाज सेवा अपने आप में कोई इनकम तो हुई नहीं, वो तो आप खर्चा ही करेंगे समाज पर। तो अब ये सामान्य जो तारक है मैं आपको दे रहा हूँ जी जी जी। एक नया ट्रेंड चल गया है, वो ट्रेंड ये है कि आजकल पुलिस वालों पर सीधे हमला बोल दिया जाता है। एक समय था खाकी वर्दी का खौफ था, खौफ। और आपने देखा होगा विकास दुबे के प्रकरण में कि एसओ साहब जाते हैं और बाकायदे उनके साथ मारपीट की जाती है उन पर। क्या लगता है कि आज की पुलिस लाचार हो गई है, असहाय हो गई है, अब वो कुछ कर नहीं पा रही है? हाँ, ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी हैं जी। हम आपको एक आंकड़ा देते हैं, 2015 से लेके 2019 तक पूरे देश में 1100 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है, या तो कचहरी से मुलजिम छुड़ा लिया गया है, या थाने में मुलजिम बैठा है तो जबरदस्ती झगड़ा करके वहां से छुड़ा लिया गया है, सिपाहियों के साथ बदतमीजी की गई है, दरोगा को जो है रिवॉल्वर छीन ली गई है, 1100 घटनाएं हुई हैं। ये निश्चित रूप से एक मन बढ़ाई है बदमाशों की। हम लोग पुलिस का मनोबल तो नहीं गिरा है, लेकिन बदमाशों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो थाने के में, और ये आज की बात है दोस्त, 2001 में जब थाने में घुस के हत्या हो गई तो हम सड़क के मरम्मत की बात क्या करें, और उस हत्या में भी उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लोग भाग गए वहां से। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हमारी ट्रेनिंग में एक हम बदलते समय के अनुसार चूक रहे हैं। पहले ये होता था कि पुलिस का एक रुतबा था, गांव में सिपाही चला जाता था पूरा गांव सन्नाटा हो जाता था, बिल्कुल। आज नहीं है, आज हमें बदलते समय के अनुसार हमारी पुलिसिंग बदलनी होगी। और दूसरी चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ पर्टिकुलरली कानपुर पुलिस में, यहाँ के पुलिस का संबंध, यहाँ जो भले लोग हैं तो है जो पुलिस के मदद वक्त जरूरत उनके साथ खड़े होते हैं, उनसे भी संपर्क पुलिस का बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, तो वो भी पुलिस से कटते जा रहे हैं। सही बात है। तो दो चीजें हैं, बदमाशों के प्रति मुखबिरी तंत्र हो और अच्छे लोगों के प्रति संपर्क हो, ताकि हमें हर चीज पता लगे। जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का जो हमारा सिस्टम है वो कमजोर हो गया है, और इसी वजह से हम जब कहीं गाँव में अगर पिटने लगते हैं तो बाकी लोग या तो तमाशबीन बन जाते हैं या वीडियो बनाने लगते हैं या सरक जाते हैं जी। जी। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आप जरा मुझे ये समझाइए
कि विकास दुबे जैसा कांड हो गया जिसने यूपी को हिला के धर दिया, जिसने मैं तो ये कहूँगा कि देश तक को हिला दिया, दिल्ली की स्पेशल सेल भी उसी में लग गई। मेरा कहने का मतलब ये, अब तो गिरफ्तार भी हो गया है, क्या करना चाहिए अब खास तौर से यूपी पुलिस को ताकि विकास दुबे जैसे लोग पैदा ना हो, और दूसरी ओर जो हमारी कानून व्यवस्था है उस पर लाख हम कहें कि नहीं नहीं बहुत सुधार हो रहा है, ये परसेंटेज गिर रहा है, उससे भी लोगों को राहत मिले। क्या करना चाहिए विकास दुबे के प्रकरण को लेकर के, अगर मैं आपसे बात करूं? देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो विकास दुबे के प्रकरण को लेकर आप चले तो अब विकास दुबे के संबंध में पुलिस का काम अब ज्यादा कठिन है जी। जैसे अगर एनकाउंटर में आमने सामने को रोटी और मारा जाता था तो इस घटना का पता छेप हो जाता, मुलजिम मर गया, सारी बातें खत्म हो गई। अब मुलजिम मरा नहीं है, मुलजिम हमारे सामने खड़ा है। अब मुलजिम ये कह रहा है कि आप हम पर जुर्म साबित करिए, हम तो निर्दोष हैं। वो अदालत में यही कहेगा, हर मुलजिम कहता है वो भी यही कहेगा। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस केस की, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए, डीजीपी साहब को चाहिए, या यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं, एसएसपी साहब, आईजी साहब, एडीजी साहब जो भी हैं, इनको चाहिए कि कुछ अच्छे चुने हुए विवेचकों की एक टीम बनाई जाए जो ठंडे दिमाग से बैठ के इस केस की तफ्तीश करे और सबूत का एक एक चीज इकट्ठा करे जी, और उनको सबूत को इकट्ठा करने के बाद तब अदालत में इसको ले जाए। दूसरी चीज, सरकार को चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करें और सेशन ट्रायल डे टू डे बेसिस पर इसका हो, वो अदालत यही मुकदमा सुने और उसमें कोई कोताही न करे ताकि जल्दी जल्दी इसका निस्तारण हो जाए। विलंब होता जाएगा तो केस चौपट होता जाएगा और दिक्कत होती जाएगी। दूसरा सवाल जो आपने भाई साहब किया कि विकास दुबे पैदा न हो, अब इसका तो एक ही उपाय है कि हर गांव में 50-60-70-80 जो भी थाने रहते हैं उन थानों में विकास दुबे आज भले कैंसर की थर्ड स्टेज हो लेकिन कभी तो फुंसी रहा होगा। बिल्कुल, 98 में मैं जब यहाँ एडिशनल एसपी था तब इसका नाम एक मनगर बदमाश की तरह लिया जाता था, कोई गंभीरता से लेता नहीं था, छोटे मोटे वारदात कर देता था, कभी एक आध मुकदमा कायम हुआ हुआ तो हुआ हो, लेकिन इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता था। आज आप सही कह रहे हैं, इसने पूरे देश के पुलिस तंत्र को हिला दिया है। अभी जिस भी स्टेट के डीजीपी का इंटरव्यू आप देखिए टीवी पे आ रहा है, सभी अपने अपने सतर्क है, खासकर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, तमिलनाडु और केरल की बात नहीं करो तो बहुत दूर है, बिहार है, एमपी है, हरियाणा है, इन सब जगहों का लिंक तो मिला ही, अलर्ट लोग है भी जी। तो ऐसी समाज है जो तो निकल रहा है तो उसका रास्ता तो कानूनी रूप से ही उसको दिया जा सकता है जी। पुलिस में ऐसे बहुत से कानून है जिस पर कि हम नियंत्रण रख सकते हैं, गुंडा एक्ट है, एनएसए है, उसकी संपत्ति बढ़ रही है उसकी जांच है, लेकिन समस्या ये है कि हम इन सब चीजों को निरंतर नहीं कर पाते। अभी चल रहा है तबादला हो गया, वो चीज ठंडे बस्ते में चले गई, जाहिर है कि जब हम किसी के खिलाफ पड़ेंगे तो वो हम पर प्रयास करेगा दबाव डलवाने का, वो राजनीतिक भी कर सकता है, पैसे का भी दबाव कर सकता है, अफसरों का भी दबाव कर सकता है। तो अब हम कितना उस दबाव में आते हैं तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और उसको डिपेंड करता है जी। तो एक सर, अब इसमें अभी आज की खबर ये है कि लखनऊ के कमिश्नर साहब ने, लखनऊ कमिश्नर पुलिस ने जो फोर्स में जो अपराधी से संक्रमित हमारे लोग हैं जी जी, उनकी लिस्ट है, सब इंस्पेक्टर है, जो भी अधिकारी हो उनकी सूची मांगी गई। ये पहली बार नहीं मांगी गई है, ये पहले भी मांगी जाती रही। हाँ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि फोर्स के जो लोग हैं उनका संपर्क हो जाता है। तो अब इन सब चीजों पर एक साथ नए तरीके से विचार करना पड़ेगा, तभी नए विकास दुबे को बनने से रोक पाएंगे। हमारा ये कहना है कि फुंसी से कैंसर बनने में जो लंबा समय लगा है उसमें कहीं न कहीं हम लोग की चूक तो है ही है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपसे बस आखिरी में और सवाल एक पूछ रहे हैं, बहुत समय हमने आपका लिया, एक खाकी और खादी और अपराधी का नेक्सस तोड़ने के लिए क्या कुछ नए कानून की जरूरत है, या जो हमारे आपने जैसा बताया कि गैंगस्टर जैसे कानून है वो भी पर्याप्त है, केवल जरूरी है कि उनको प्रभावी ढंग से ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ लागू कर दिया जाए? किसी नए कानून की जरूरत नहीं है जी। गैंगस्टर एक्ट के बाद भी बड़े कानून आ गए हैं, मजबूत कानून आ गए हैं। तय करना है सरकार की प्राथमिकता क्या है जी।
तय करना है कि आप चाहते क्या है। जब आप चाहेंगे तो आप कर ले जाएंगे, जब आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं कर ले जाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि हमारी प्राथमिकता ये है कि नए उभरते हुए जो क्रिमिनल हैं उनका हम राजनीतिक नेक्सस तोड़ें, तो उसको आप उसको प्राथमिकता देना पड़ेगा। दो तरह की चीजें होती है, एक क्राइम होता है प्रोफेशनल क्राइम है जैसे विकास दुबे का है, एक वो होता है जो मूवमेंट होता है जैसे CNRC के खिलाफ हुआ, जैसे जन आंदोलन हुआ। जी जी, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी ज्यादातर ऊर्जा जन आंदोलन को दबाने में जाती जबकि जन आंदोलन का जवाब पॉलिटिकल तरीके से हम दे सकते हैं, लेकिन वहां भी हम पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, उसे बहुत सी शिकायतें आती हैं, मानवाधिकार आयोग भी कूद पड़ता है। लेकिन विकास दुबे जो क्रिमिनल एक्ट है, इसमें नॉर्मली अगर आप रगड़ना शुरू करिएगा बदमाशों को तो राजनीतिक व्यक्ति खुल के नहीं सामने आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रेस साथ हमारे रहता है, प्रेस से वो भी डरते हैं कि इनका नाम आ जाए। आप भी सवाल सर्च करने वाले पूछ सकते हैं, भाई वो बदमाश खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, आपका उससे क्या रिश्ता है। तो डिपेंड करता है कि सरकार या पुलिस की प्राथमिकता में क्या है। हमें लगता है ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के बाद निश्चित रूप से सरकार सोच रही होगी और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो विकास दुबे का जो बुखार है वो उतर गया है, क्योंकि वो आ गया है। अब हमें नए तरीके से उसकी खेस की तफ्तीश और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर सिंह जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से और अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया। समय की यही मांग है, सिस्टम है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। आज सरकार को अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। और सबसे बड़ी बात है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो खाकी और खादी और अपराधी का नेक्सस है, इसे तोड़िए। हो सकता है कि आपका वोट बैंक कुछ कमजोर पड़ जाए, हो सकता है कि आपकी राजनीतिक जो क्षमता है उस पर आँच आ जाए, लेकिन राष्ट्रहित में, समाज हित में आपको ये करना ही होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, पुलिस में व्यापक सुधार की जरूरत है। पूर्व DGP प्रकाश सिंह इसके लिए लगे रहे, सुप्रीम कोर्ट में किया, दिशा निर्देश दिए और वो लगातार 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और अगर सुनेंगे नहीं तो ये विकास दुबे जैसे लोग पनपते रहेंगे और ये जो राजनीतिक गठबंधन है और ये जो खाकी का गठबंधन है, इसे और कैंसर बना देगा। तोड़िए, रोकिए, ये बहुत बड़ा शबक है विकास दुबे का सरकार के लिए। देखते रहिए JMD न्यूज़। नमस्कार। फार्मेसी द्वारा 100% रोजगार प्रदान करने वाले